हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी और आज मैं आप लोगों का ब्यूटी पार्लर कोर्स में शेयर करने वाली हूँ। हम लोग सिंपल इजी स्टेप में मेकअप करके सिंपली मार्केट जाना है या फिर कहीं जाना है, एंगेजमेंट पहना हुआ है और हम चाहते हैं कि हमारा फेस पे मेकअप भी ना रहे और हमारा लुक भी काफ़ी अच्छा दिखे, तो इसी तरीके का टॉपिक मैं आज आप लोग के लिए लेकर आ पाई हूँ, जिससे कि आपको ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करने की जरूरत नहीं है। गर्मियाँ चल रही है तो गर्मियों में हम लोग मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करना थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, स्किप करते हैं, जिससे कि क्योंकि हम लोग मेकअप करते हैं बहुत ज़्यादा पसीना आता है, धूल मिट्टी डट से जो हमारा मेकअप होता है वो निकलने लग जाता है या फिर अजीब दिखने लग जाता है। तो इस सिचुएशन में हमको चाहिए कुछ ईजी सा स्टेप, जिससे कि हमारा लुक भी काफ़ी अच्छा दिखे और बहुत सारा मेकअप प्रोडक्ट हमको अपने चेहरे पे लगाना भी ना पड़े। तो इसी तरीके का वीडियो आज बताने वाली हूँ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरीके की ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड छोटी छोटी बारीकियों के साथ वीडियो आप लोग को नोटिफिकेशन के रूप में मिलते रहे, वीडियो आप देख पाओ, अच्छे से सीख पाओ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए किया कीजिए, ताकि ये वीडियो जो होती है काफ़ी हेल्पफुल होती है, तो और लोगों को भी शेयर कीजिए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स रिश्तेदार जिनको भी आप जानते हैं सबके पास शेयर कीजिए, ताकि उनको काफ़ी हेल्प हो पाए अपने लुक को अच्छा दिखाने में। एंड बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट वगैरह भी यूज़ ना करना पड़े और बहुत ईजी स्टेप के साथ वो अपना लुक कम्प्लीट करके कहीं भी जा सके और बहुत कम्फर्टेबल है। जब हम लोग हैवी मेकअप नहीं किए होंगे तो हम काफ़ी कम्फर्टेबल रहते हैं, कूल रहते हैं कि कुछ भी हो जाए हमारा फेस को वैसे ही चमक रहा है, वैसे ही लाइट कर रहा है। एंड हमको इस बात का भी टेंशन नहीं है कि हमारा मेकअप निकल जाएगा या फिर हमारा लुक जो है वो ख़राब दिखेगा। कुछ भी कर लो, स्किन हम हैंकी से पोछ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमारा लुक वैसे का वैसे रहेगा। तो चलिए ज़्यादा बातें मैं करते चलिए से स्टार्ट करते हैं। बस सिर्फ नहा के आई हूँ, मैंने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया, मैंने जो फेस पैक होममेड पैक अप्लाई किया था जिसकी वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी और आप भी उसको जाके चेक जरूर अप्लाई कीजिएगा, जो कि आपके फेस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मार्केट में जो आप केमिकल वाली चीज़ें यूज़ करते हैं उससे आपकी स्किन एक टाइम के लिए तो अच्छी हो जाती है, लेकिन डे बाई डे डेली बेस पे यूज़ करने पे आगे चल के वो आपकी स्किन को हार्म पहुँचा सकता है, लेकिन जो होममेड चीज़ें होती हैं वो हमारी स्किन को ऑल टाइम पूरी लाइफ टाइम के लिए कभी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो मेकअप करना है वो मैं बता रही हूँ आपको, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आप वैगनस हैं या फिर आपको मेकअप करना पसंद नहीं है तो आप दो चार चीज़ें जो हैं वो अपने डेली मेकअप रूटीन में जरूर रखिए। सबसे पहली बात तो मेकअप मॉइस्चराइजर अप्लाई करना ही करना है। मॉइस्चराइजर कोई मेकअप का पार्ट नहीं होता है, आपका स्किन केयर रूटीन है जो कि हर एक लेडी को अपने फेस, लेडीज़ क्या मैं तो बोलूँगी, जेंट्स लोग ज़्यादा ही बाहर रहते हैं लेडीज़ के मुकाबले, तो उनको ज़्यादा मतलब मॉइस्चराइजर तो सभी को यूज़ करना चाहिए अपनी स्किन की केयर करने के लिए। हम लोग इतना मतलब काम करते हैं जिसकी वजह से हमारा स्किन डल हो जाता है और काफ़ी बेकार दिखने लग जाता है, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा सारी चीज़ों के साथ साथ हमें अपनी स्किन का भी केयर करना चाहिए। तो ये मेकअप का पार्ट नहीं है, सिर्फ आप एक टोनर रख लो बढ़िया था, मैंने तो टोनर नहीं रखा। हाँ, मुझे रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि मैम कौन सी कंपनी का आपने रोज वाटर यूज़ किया है, तो स्वीट कॉस्मेटिक रोज वाटर है ये, क्लिनजिंग मॉइस्चराइजिंग एंड टोनिंग का काम करता है। रोज वाटर जो होता है आपकी स्किन की गंदगी को डर्ट को निकालने के लिए होता है। तो डियर जिन्होंने भी कमेंट किया था उनको मैं बता दूँ, स्वीट कॉस्मेटिक रोज वाटर है ये, मैंने इसको ऑनलाइन मंगाया था, ये 500 लीटर में मुझे मिला था, तो मैंने पार्लर के मैं हमेशा यूज़ करना होता है तो इसके लिए मैंने इसको मंगा लिया था। तो अगर आपको इसकी लिंक चाहिए तो आप बता देना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। तो मैंने इस तरीके से रोज वाटर को अपने फेस पर अप्लाई कर लिया है। अब मैं सेकेंड जो स्टेप है, यार माइक मेरी ख़राब हो गई है और ये बार बार डिस्चार्ज होकर बंद हो जाती है, तो इतना मैंने बोल दिया बट मेरा माइक जो था, जो माइक था वो ऑफ हो चुका था। तो मैंने क्या बताया था कि हमको मेकअप के मेकअप प्रोडक्ट नहीं है ये मॉइस्चराइजर टोनर, आपको डेली स्किन केयर रूटीन में यूज़ करना चाहिए। तो डेली स्किन केयर रूटीन में मैं लैक्मे लैक्मे पीच मिल्क का मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ और ये मुझे कमेंट आ रही थी कि मैम बताइए कौन सी कंपनी का कौन सी ब्रांड का आपने रोज वाटर यूज़ किया है। तो डियर मैंने यहाँ पे स्वीट कॉस्मेटिक रोज वाटर यूज़ किया जो क्लिनजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग तीनों अवेलेबल है। ऐसे रोज वाटर आप यूज़ करते हो तो आपकी स्किन का जो जो डर्ट होता है, धूल मिट्टी या फिर सांवलापन, वो धीरे धीरे करके रिमूव हो जाता है। रोज वाटर आपको डेली स्किन केयर रूटीन में यूज़ करना चाहिए। अगर आपके पास टोनर नहीं है तो अगर टोनर है तो वो बेस्ट है, तो टोनर यूज़ कीजिए, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कोई बढ़िया सा टोनर ले लीजिए। अदरवाइज अगर टोनर नहीं मिलता तो आप रोज वाटर यूज़ कर सकते हो। तो चलिए मैंने रोज वाटर यूज़ कर लिया है और स्किन पे अच्छे से लगा दिया है और मैंने एक फेस पैक बनाया था जिससे मेरी स्किन काफ़ी अच्छी ग्लो कर रही है। अभी मैंने कुछ भी नहीं अप्लाई किया उसका फेस पैक, फेस पैक का
वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। सिर्फ धीमू कराटे के साथ मैंने वो फेस पैक बनाया था। तो इस तरीके से मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया है। मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद फिर थोड़ी देर हम लोग रुकेंगे, उसके बाद हम लोग यूज करेंगे सनस्क्रीन। सनस्क्रीन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। कई लोग सोचते हैं कि हम लोग तो बाहर नहीं जा रहे तो सनस्क्रीन लगाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन सनस्क्रीन लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके स्किन को। अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हो, एक डेली सनस्क्रीन यूज करने वाली लेडी का चेहरा देखना और जो सनस्क्रीन नहीं यूज करती उन लेडीज़ का चेहरा देखना, काफ़ी डिफरेंट दिखेगी आपको। एजिंग भी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, सांवलापन आ जाता है, तो आपको सनस्क्रीन यूज करना है। सनस्क्रीन यूज करने से आपकी स्किन का जो सांवलापन होता है उसको ये रोकता है, और जो सन की वजह से हमारे स्किन में जो इफेक्ट आता है जिसकी वजह से स्किन धीरे धीरे सांवली होकर खराब होकर रिंकल्स झाइयों की प्रॉब्लम होने लग जाती है वो भी काफ़ी हद तक रुकता है। तो ये है लोटस हर्बल का सेफ सनस्क्रीन है, इसमें SPF 20 है। तो जिनको घर में ही रहना है, जो ज़्यादा सनस्क्रीन नहीं यूज करना चाहते हैं, तो वो SPF 20-30-15 तक ले सकते हैं। और जिनको डेली बेस पे काम करने जाना है, ऑफिस जाना है, काफ़ी ज़्यादा काम करने जाते हैं, तो उनको 40-50 SPF वाला सनस्क्रीन लेना चाहिए, तो जो कि आपकी स्किन को तेज धूप से बचाएगा। बट हम लोग घर में भी रहते हैं तो सूर्य की जो किरणें होती हैं हमको लगता है कि हमारी स्किन पर नहीं पड़ रही है, बट वो हमारी स्किन को हार्म पहुंचाती है। तो घर पे रहना है, अगर आपको बाहर नहीं जाते हो तो भी आपको सनस्क्रीन यूज करना है SPF 20-30 तक। ओके, तो इसी तरीके से मेकअप करके आप बाहर जा सकते हो। मैं आज थोड़ा डिटेल बताने वाली हूँ, तो स्किप मत कीजिएगा। सनस्क्रीन जो होता है वो इजिली आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। जब आप लगाओगे तो ये वाइट वाइट से दिखेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये आपकी स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। बाद में जाऊँगी मार्केट के लिए मेकअप कर दी थी, तो बहुत सारी लेडीज़ को इसकी रिक्वायरमेंट थी कि मैम सिंपल मार्केट जाते हैं तो सिंपल लुक का कोई मेकअप बताइए, जिससे ये भी ना पता चले कि हमने मेकअप किया है, या फिर मार्केट में जाते हैं तो मेकअप हमारा निकल के बहने लग जाता है, तो वो सब प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े और हमारा जो फेस है वो भी ग्लोइंग एंड अच्छा दिखे। तो उसके लिए आज का वीडियो मैं लेके आई हूँ, उन सभी गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए जो मेकअप करना पसंद है, मैं अपने फेस को अच्छा दिखाना चाहती हैं, खूबसूरत दिखाना चाहती हैं, लेकिन बहुत हैवी मेकअप नहीं कर सकते हैं, या फिर हैवी मेकअप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, सभी को पता है। तो जैसे एक वो अपना स्किन तो बहुत अच्छा दिखता है, बट हम डेली बेसिस पे इतना हैवी मेकअप तो नहीं कर सकते, तो हमको चाहिए होता है कुछ सिंपल सा, ईजी सा, जिसे हम करके अपने स्किन को ग्लोइंग भी बना लें, अच्छा भी दिखा लें और ज़्यादा मेकअप का सामना भी ना करना पड़े, जिससे हमारी स्किन भी ना खराब हो, है ना। तो हमने इस तरीके से अप्लाई कर लिया मॉइस्चराइजर एंड टोनर एंड सनस्क्रीन। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा प्राइमर। प्राइमर तो आपको लगाना ही है, प्राइमर से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। प्राइमर जो है वो आपकी स्किन और प्रोडक्ट के बीच में लेयर बनाती है, जो मैंने अपनी एक डिटेल वीडियो में प्राइमर के बारे में बताया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर चेकअप कर लीजिए। प्राइमर मैं बस इसलिए लगा रही हूँ कि जो हम लोग ब्लशर वगैरह तो अप्लाई करेंगे ना सिंपल मेकअप में भी, तो ब्लशर लगाने से या फिर जो भी हम फाउंडेशन वगैरह तो कुछ नहीं अप्लाई करने वाले हैं आज, सिर्फ ब्लशर। आप वीडियो देखते जाइए, आपको पूरा डिटेल में दिखेगा। तो मैं प्राइमर यहाँ पे थोड़ा सा यूज कर रही हूँ। वैसे हमने सनस्क्रीन लगा लिया था, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो प्राइमर को, लेकिन मैं लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे कोई रिस्क नहीं लेना अपने फेस के साथ, तो आप भी लगा दीजिएगा। तो हमने प्राइमर लगा लिया, अब हमको क्या करना है, जो लड़कियों को मतलब हल्का फुल्का अपने लुक को अच्छा दिखाना, उनके पास एक ब्लशर शेड तो होना ही होना चाहिए, और ये एक बार आप ले लोगे तो 6 मंथ और 1 साल तक भी चल सकता है। इतना ही करने के बाद काफ़ी अच्छा ग्लो दिख रहा है मेरे चेहरे में, बट सबका नहीं होता है ना, तो उन लोगों को थोड़ा सा मेंटेन करने की जरूरत है। वैसे आप सनस्क्रीन वगैरह डेली जो मेरी वीडियोज आ रही हैं उनको देख के अगर यूज़ कर रहे हो तो आपका स्किन भी बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। तो देखिए मैंने फाउंडेशन, कंसीलर, कॉम्पैक्ट कुछ भी यूज़ नहीं किया, मैं डायरेक्ट ब्लशर ले लूँ और थोड़ा सा अपने चीक बोन्स पे इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। ओके, सिंपल, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि डे में हम लोग जा रहे हैं, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आप कैसे रिमूव करेंगे। तो हमने यहाँ पे ब्लशर लगा दिया, अब हम लोग लगाएंगे हल्का सा हाईलाइटर तरीके से, मैं कुछ इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं करूँगी, और जो मेरा लुक है वो काफ़ी अच्छा दिखेगा। आइज के ऊपर जरूर अप्लाई कीजिएगा, इससे जो आपका आइज का डार्क सर्कल है या फिर डार्कनेस है वो हाइड हो जाता है हाइलाइटर से।
इसके बाद अगर आपने हाइलाइटर लगा लिया है तो पक्का हम लोग को लगेगा, मतलब हम लोगों ने मेकअप नहीं किया लेकिन दूसरी जो देखेंगे उनको लगेगा कि हमने मेकअप किया हुआ है। तो उसको काफ़ी हद तक कम करने के लिए आप क्या करोगे, कॉम्पैक्ट पाउडर लोगे और इससे हमारी ब्लशर को भी कम करेंगे। ओके अब सिंपली इसके बाद अपना काजल, लिपस्टिक, आईब्रो पेंसिल लगा के अपने मेकअप को कंप्लीट कर देंगे। तो ये मेरा मेकअप ऑलमोस्ट डन हो चुका है और हम लोग कहीं भी जाने के लिए रेडी हैं। ब्लशर को थोड़ा कम कर लीजिएगा क्योंकि ज़्यादा ब्लशर से लगेगा कि आपने मेकअप किया हुआ है। वैसे इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप सुंदर ही लगोगे एंड आपका जो लुक है वो अच्छा लगेगा। इसको आप कितना भी साफ करो, कुछ भी करो, ये निकलता नहीं है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग मेकअप लुक है ये। अब बस मैं थोड़ा सा अपने आईब्रो को फिल करूँगी और लिपस्टिक मैंने लगा ही रखा है और डन है मेरा मेकअप कहीं भी जाने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ। मैंने बिंदी लगा लिया, लिपस्टिक लगा लिया, आईब्रो फिल कर लिया, काजल नहीं लगाया है, आप लगा सकते हो अगर आपको लगाना है। तो और बालों को मैं एक सिंपल सी पोनी बनाऊँगी या फिर आप ब्लशर भी लगा सकते हो। ब्लशर लगाना है तो सिंपली इस तरीके से बालों को करोगे। अगर आपने लेयर्स में कट करवा रखा है या फिर एडवांस लेयर है, स्टेप है, तो आप क्लचर लगा लेना या फिर बी में है, यू में है, तो क्लचर के साथ बहुत अच्छा लुक आएगा आपके बालों का। तो मैंने आज ही बालों को वॉश किया है, उसकी वजह से थोड़ा सा बाल वो दिख रहे हैं, पूरे पूरे से टेक्स्चर में आ रखे हैं, जैसे कि वॉल्यूम को दिख कर दिख रहा है, थोड़ा फर्क भी वॉश कर दिया है। इसे इतने क्लचर को लगाने हल्का हल्का लुक कर देंगे और बेस्ट से जैसे कि आपके बालों में हैवी हैवी वॉल्यूम आ जाएगा। चलिए मार्केट, और आप भी इस तरीके से मेकअप करके मार्केट जा सकते हो। कैसा लग रहा है मार्केट है, सिंपल पार्टी पार्टी है, आप इस तरीके से मेकअप करो। बस थोड़ा सा इसको और अच्छा दिखाने के लिए लाइनर और काजल लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके तो मैंने सोचा काजल लगा लिया जाए, मैंने लगा लिया, ये बार मैंने कटिंग किया उसकी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी अच्छा लुक आया है सूट का और ये दुपट्टा भी मैंने मार्केट से लिया था। तो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी सही तरीके से जल्दी से रेडी हो जाएगा, अगर आपको कहीं जाना है। तो आई होप की वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर कर लिया होगा नहीं किया होगा जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, या आपको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है। और सिलाई से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ आप लोगों को देखनी है, सीखनी है, तो उसकी वीडियो मेरे सेकंड चैनल पर YouTube पर अपलोड होते रहती है डे बाई डे। वहाँ पर जाकर आप वो वहाँ सिलाई से रिलेटेड और चीज़ें बारीकी के साथ सीख सकते हो और जान सकते हो। अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट कर देंगे, नेक्स्ट टाइम उसकी वीडियो जरूर लेकर। अरे परछाई आ रही है, साड़ी की फोटो खराब आ रही है। घर चुप रही हो कुछ महीनों पर अपने घर में ही छिपा रहा और बाहर नहीं चुप, दो मिनट चुप कर। तो फ्रेंड्स मुझे हो गया था बुखार जिसकी वजह से मेरा मन एकदम फीका हो गया है। तो मैं अभी बना रही प्याज की पकौड़ी, इसमें मैंने बहुत सारी मिर्ची वगैरह डाली क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा चटपटा खाने का मन कर रहा है। तो ये बनाऊंगी, इसके बाद मैं रोटी वगैरह बनाऊंगी। सब्जी मैंने बना ली है सोयाबीन की और बहुत टेस्टी बनने वाले हैं ये पकौड़े। तो किसको पकौड़े खा रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत ही प्यारा कलर आ रहे हैं, इसमें मैंने सिर्फ प्याज कट की है, इसमें मैंने सिर्फ प्याज कट किया है, हरी मिर्ची एंड सारे मसाले थोड़े थोड़े करके डाले हैं और थोड़ी सी लाल मिर्ची भी डाली ताकि ये चटपटी सी हो जाए, क्योंकि बुखार के वक्त अजीब लगता है, मुँह फीका फीका सा हो रखता था, तो मैं इसलिए बहुत चटपटा था। मिर्ची प्याज के पकौड़े बना रही हूँ और इसको मैं चटनी के साथ खाऊंगी, धनिया पत्ता एंड हरी मिर्ची और लहसुन की चटनी के साथ। तो ये देखिए कैसा लग रहा है कलर इसका। वाव बहुत टेस्टी पकौड़े बने हैं, वैसे तो मैं बनाती हूँ बहुत टेस्टी, और बारिश के मौसम में चाय और पकौड़े खाने का तो मजा ही बस फील कर सकते हो, बता नहीं सकती मैं, तो आप भी बना के खाओ, फील करो बारिश के मौसम में चाय और पकौड़े का क्या मज़ा आता है।
मैंने तो सच्ची में कमाल के पकौड़े बनाए और मैं खाए जा रही हूँ।